आपको याद होगा कि योजना आयोग ने कहा था 28 रुपए रोज खर्च करने वाले गरीब नहीं है। उसी योजना आयोग ने महज 2 टॉयलेट ठीक कराने के लिए 35 लाख रुपए फूंक दिए। हालांकि आयोग का यह कहना है कि ये रूटीन खर्चा है और दोनों टॉयलेट सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ही है। आम आदमी के पैसे पर योजना आयोग की शाह खर्ची, 2 टॉयलेट्स पर फूंक डाले 35 लाख रुपए। बचत की नसीहत देने वाली सरकार खुद कब रोकेगी फिजूल खर्ची? ये तस्वीरें हैं योजना आयोग के उन 2 टॉयलेट्स की जिन्हें सिर्फ मॉडर्न लुक देने के लिए 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। योजना आयोग ने इन दोनों टॉयलेट्स के नवीनीकरण पर 30 लाख रुपए खर्च किए, जबकि 5,19,000 रुपए डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाने पर फूके गए। खास बात ये है कि इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास स्मार्ट कार्ड है। ऐसे लोगों की संख्या 60 बताई जा रही है। देखिए, उस आरटीआई से ये पता लगा कि 2 टॉयलेट्स के रिनोवेशन पे, कंस्ट्रक्शन पे नहीं, रिनोवेशन पे 35 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसमें से 5 लाख रुपया एक डोर एसेस सिस्टम उन्होंने लगाया कि जिससे कुछ प्रिविलेज पर्सन को ही उसमें स्मार्ट कार्ड से एंट्री मिल पाएगी। विदेशी दौरा हो या फिर टॉयलेट बनाने का खर्चा, योजना आयोग हमेशा से कहता है कि वह सब कुछ नियम कायदे के तहत ही कर रहा है। लेकिन सवाल है कि टैक्स पेयर्स के पैसे को किस तरह टॉयलेट में बहाना कहाँ तक जायज है, खासकर तब जब गरीबी रेखा के लिए 28 रुपए की कीमत तय की गई है। ये वही योजना आयोग है जो राज्यों को अपने खर्चों में कटौती करने की नसीहत देता है। ये वही योजना आयोग है जो कहता है कि 28 से 32 रुपए रोजाना खर्च करने वाले शख्स को गरीब नहीं कहा जा सकता। फिजूल खर्ची का ये हाल तब है जब खुद प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को खर्च कम करने की नसीहत दी है। योजना आयोग अपने जहां 2 शौचालयों का खर्चा 35 लाख रुपए से अधिक करता है, ये बहुत ही दुखद बात है और ये सरकार की जो कथनी और करनी में बड़ी भारी खाई है उसको रेखांकित करता है। योजना आयोग का दावा है कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। आयोग का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूटीन मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पर हुए खर्च को फिजूल खर्ची बताया जा रहा है। जिन टॉयलेट्स का नवीनीकरण हुआ है वो अफसरों के लिए नहीं बने बल्कि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए हैं। ये जो टॉयलेट है पब्लिक एक्सेस टॉयलेट है, सारे हमारे ऑफिसर्स, उनके विजिटर्स, सारे जर्नलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओवर ड्यू था और ये हमारे बजट में है और ये जो काम किया गया है ये CPWD ने किया गया, जैसे कि सरकारी मतलब रूल्स रेट होते हैं। तो मैं तो बहुत ही मैं सच कह रहा हूँ, मैं सरप्राइज हूँ। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कैबिनेट में प्रस्ताव आया था कि गांव में टॉयलेट बनाने के लिए राशि 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाए, लेकिन कैबिनेट ने फंड की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। दूसरी ओर सरकार अपने 2 टॉयलेट्स पर 35 लाख रुपए खर्च कर रही है। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, रविकांत राय और प्रख्या सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार।